খুরি তোর চুনারি বা লাল লাল রে, ওসিকা খুরি তোর চুনারি বা লাল লাল রে, রোড পচালে লুকা মাল যায় রে। आपका इस वीडियो की स्टार्टिंग कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अब भाई अच्छी लगी हो तो यार इस बात पे वीडियो का एक लाइक तो बनता ही है। एंड साथ ही साथ भाई इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे गाइस आप अपनी स्नाइपिंग को अच्छी कर सकते हैं। मैं आपको आज की इस वाली वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसकी मदद से भाई आपकी स्नाइपिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। एंड इस वाली गेम प्ले वीडियो में भाई मैंने ओम यूज़ करी है तो साथ ही साथ आपको मेरी भी मतलब स्नाइपिंग देखने को मिलेगी। खैर गाइस बात करते हैं इस वाली गेम प्ले वीडियो की। तो इस वाली गेम प्ले वीडियो में मैं उतरा था जॉर्जो पोल एंड जॉर्जो पोल में उतरती गाइस आज पहली बार मेरे को एक गेम मिल गई एंड सामने चार बंदे मिल गए। तो देखो यार भाई फाइनली यार इस वाले गेम की पहली स्क्वाड को तो हम आराम से मार देते हैं। अब भाई इन सभी की यार किस्मत अच्छी थी क्योंकि भाई सभी को गन मिल गई थी एंड भाई पता नहीं किस्मत हमारी भी अच्छी थी जिस वजह से हम इनको यार गन मिलने के बावजूद भी मार पाए। एंड इसके बाद भाई पीछे दो बोट आपस में लड़ रहे थे तो मैं एक बोट का किल चुरा लेता हूँ। अब भाई एक बोट को मारने के बाद मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह दूसरे वाले बोट को मार दूं एंड जब मेरा ध्यान दूसरे वाले बोट पे था तभी भाई ये वाला बंदा पीछे से शॉटगन लेके आ जाता है। खैर गाइस मेरा सही टाइम पे ध्यान चला जाता है इसके ऊपर वरना भाई यहाँ पर अभी मैं घुटनों पे रेंग रहा होता। एंड इसके बाद भाई हम इसकी क्रेट वगैरह लूटते हैं, थोड़ी बहुत हील करते हैं एंड जो इसकी बाकी की स्क्वाड थी भाई वो बीच वाले कंटेनर्स पे लूट कर रही थी। तो देखो यार अब उनके ऊपर पुश कर देते हैं। भाई यहाँ पर हम फाइट तो लेने आए थे सामने वाले स्क्वाड से लेकिन मेरे भाई लेफ्ट में हमारे एक और स्क्वाड आ जाती है जो कि हमारे टीममेट को नॉक कर देती है। अब भाई इस वाली स्क्वाड को एक बंदे को तो मैं इजीली नॉक कर देता हूँ पर भाई इसके टीममेट का बहुत अच्छा कवर फायर आता है एंड इसके बाद भाई हम इन पे पुश कर देते हैं। बहुत लेट है एक और आपका इस यहाँ पर यार हम इस वाले स्क्वाड के तीन बंदों को नॉक करते हैं एंड भाई आप यकीन नहीं करोगे इन तीनों में से भाई एक का किल भी नहीं हमें मिलता मतलब तीन के तीन किल सामने वाले स्क्वाड चुरा लेती है। एंड इसके बाद भाई मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था एंड इनको देखो अब हम कैसे मारेंगे। दो नॉक्ड अब गाइस यहाँ पर यार अगर आपने ध्यान दिया हो तो भाई मेरे पास हेलमेट नहीं रहता जिस वजह से एक गोली पड़ते ही मैं नॉक हो जाता हूँ। एंड इसके बाद भाई मैं अपने टीममेट से रिवाइव वगैरह लेता हूँ एंड इनकी क्रेट वगैरह लूटते हैं एंड एक बोट को पेलने के बाद हम जॉर्जो पोल से निकल पड़ते हैं। एनिमीज अहेड बोट यहाँ से बहुत मारा था तो भाई ड्रॉप लूटने के बाद ड्रॉप में से मेरे को ओम मिल जाती है तो यहाँ से आगे मैं ओम चलाने वाला हूँ। एंड इसके बाद भाई हम यहाँ से जा ही रहे थे तभी यार हमको सामने एक बंदा दिखाई देता है। तो देखो यार इनको अब हम कैसे मारेंगे।
ओके मेरे भाई। अब गाइस जैसे यार मैं इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ तो उधर मेरा टीममेट इसके दूसरे वाले बंदे को नॉक कर देता है एंड यहाँ पर यार मैं इससे थोड़ी बातचीत वगैरह करता हूँ एंड वेट कर रहे थे हम कि इनके जो बाकी के दो बंदे हैं वो इनको रिवाइव करने आए एंड जैसे यार जब मैं यहाँ पर स्काउट कर रहा था तभी यार मेरे को इनका एक और बंदा दिख जाता है तो देखो यार इसको अब मैं कैसे मारूंगा। अबे जिसको मैंने नॉक किया था वो कहाँ गया? गाड़ी के पास है, रेड वाली गाड़ी के पास। और भाई साहब तो भाई यहाँ पर यार इन तीनों को मारकर इनके क्रेट वगैरह लूटने के बाद हम फिर से यार बंदों की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब भाई यहाँ से हम चुपचाप जा ही रहे थे तभी भाई हमारे ठीक सामने वाले इन वाले घरों में ग्रोजा चलती है तो देखो यार यहाँ पर अब मैं कैसे मारूंगा इस वाले बंदे को। तो सामने वाले छोटे से एक में तो भाई इस वाले बंदे को मारने के बाद आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि भाई यहाँ पे तो बंदा ही नहीं दिख रहा था तो इसने मारा कैसे। अब भाई वीडियो अगर आप स्लो करके देखोगे ना तो ये बंदा इस तरफ आ रहा था तो इसका हल्का सा मेरे को हेड दिखाई दिया तो मेरे को लगा भाई इधर से आ रहा है तो मैंने प्री फायर दिया। अब भाई प्री फायर में ये बंदा मेरे को दिखा तो नहीं पर तुक्के से मेरी गोलियां इसको लग जाती है। अब भाई कुल मिला के ये तुक्के से मारा है एंड इसके बाद मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए जा ही रहा था तभी यार मेरे को सामने शक हुआ कि कोई बंदा आके सांप बना है एंड भाई मेरा शक सही भी निकलता है तो देखो यार इस वाले बंदे को अब मैं कैसे मारूंगा। अब भाई यहाँ पर यार मैं एक हल्की सी एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा गाइज आप में से कई लोगों को ये वाली ट्रिक पता होगी। अब भाई जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपको लग रहा है ना कि आपके आसपास कोई सांप बना हुआ है तो आपको बस सिंपल क्या करना है कि जिधर वो बंदा सांप बना हुआ है उससे थोड़े हाई एंड पे जाना है तो आप उस वाले सांप को आसानी से स्पॉट कर लोगे एंड इसके बाद भाई हम यहाँ पर इसकी क्रेट वगैरह लूटते हैं। क्रेट वगैरह लूटने के बाद हम यहाँ से मिल्टा साइड से जा ही रहे थे तभी भाई हमको सामने पूरी की पूरी स्क्वाड गाड़ी चेंज करती हुई मिलती है तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ गजब के AWM के शॉट्स। सामने गाड़ी मास्टर गाड़ी चेंज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया था गाड़ी चला रहा था हेडशॉट। रिएक्शन अभी लड़ रहे हैं ना चलते हुए हेड को चलते हुए शॉट अक्रॉस एक और है ओ एक और गया ले ओपी भाई रनिंग रनिंग तो भाई कैसे लगे यार ये वाले AWM के शॉर्ट्स अगर अच्छे लगे हो तो भाई इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता ही है एंड साथ ही साथ भाई उस बेल के आइकन को ऑल पे करना तो बिल्कुल मत भूलना एंड इसके बाद भाई हम काफी देर तक वेट करते हैं कि भाई उसके लास्ट वाले बंदे का लेकिन जब वो यार नहीं आता है तो हमको पता चल जाता है कि भाई वो गाड़ी उठाकर वहां से पहली फुर्सत में निकल चुका है एंड भाई इस सिचुएशन में तो कोई भी निकल सकता है क्योंकि अगर भाई आपके स्क्वाड के तीन बंदों को कोई बैक टू बैक ओम के शॉर्ट्स बिना मिस करे हुए मारे तो आपके दिल में भी आ जाएगा कहीं सामने वाला हैकर तो नहीं है एंड इसके बाद भाई हम वहां से गाड़ी आते हैं गार्ड उठाने के बाद हमारे ठीक सामने फ्लेयर चली थी तो देखो यार यहाँ पर इन बंदों को कैसे मारेंगे। हेलो सर आ जाओ ये तो नहीं चाहिए तो गाइस यहाँ पर बस ये एक डुओ था जिन्होंने फ्लेयर चलाई थी एंड इसके बाद भाई हम फटाफट इनके क्रेट लूटते हैं एंड क्योंकि हमें जोन में जाना था तो भाई हम अपनी गाड़ी उठाते हैं एंड जोन में निकल पड़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ बहुत दिन हो गए टावर पे चढ़ूं साल ध्यान देते ना कि हाँ लेफ्ट में टावर है ना बंदा ऊपर ये क्या था इसका
ये तो स्क्वाड वाइप होगी मेरे से गलती से। तो भाई यहाँ पर यार मेरे को एक भी किल नहीं मिलता, मतलब तीन के तीन किल मेरा टीममेट ले जाता है। एंड जैसे कि आपने सुना भाई, उसने गलती से स्क्वाड वाइप कर दिया। भाई गलती से स्क्वाड वाइप कौन करता है यार। एंड इसके बाद भाई यहाँ पर मैं इनकी क्रेट वगैरह लूट रहा था और तभी मेरे को ये सुनने को मिलता है। तो भाई जैसे कि आपने देखा भाई, इस वाले बंदे ने क्या गजब का फ्री फायर दिया, मतलब डीपी का कतई सही फायदा उठाया। एंड लगभग यार मेरे को ये ले ही गया था। एंड इसके बाद भाई अब बस दो बंदे बचते हैं। एंड इसकी क्रेट वगैरह लूटने के बाद मैं यहाँ से जा ही रहा था, तभी यार मेरे को ऊपर गाड़ी दिखाई देती है। तो मेरे को शक होता है, तो मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ चलो भाई ऊपर चेक करके आते हैं, क्या पता बाकी के बचे दो बंदे वहीं पे हो। एंड बंदे वहीं पे निकलते हैं, तो देखो यार इनको अब मैं कैसे मारूंगा। बस लेने दे मास्टर को, लेट गए नहीं लेते हैं अभी वो। अरे अरे बहुत होगी। तो भाई कैसा लगा यार आपको आज वाला गेम प्ले? एंड कैसा लगा यार ये वाले गेम का लास्ट वाला हेडशॉट? मतलब कतई मैंने साउंड सुन के एकदम, मतलब साउंड सुन के मारा एंड बंदे को जाकर हेड लगा। एंड भाई अच्छा लगा तो इस बात पे एक लाइक जरूर करते जाना। एंड साथ ही साथ भाई चैनल पे न्यू आ रहे हो एंड इसी तरह के और भी गेम प्लेस देखने हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर जाना। और भाई रही बात स्नाइपिंग अच्छी करने की, तो गाइज मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। एंड भाई ये टिप अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो भाई आपकी स्नाइपिंग देखना कितनी ज्यादा अच्छी हो जाती है। आपको बस क्या करना है कि टीडीएम खेल कार 98 में 4x लगाकर एंड ज्यादा से ज्यादा क्विक स्कोप मारने की कोशिश करनी है। एंड भाई जितना टाइम हो सके भाई टीडीएम खेलो विद कार 98 ओनली। एंड कुछ टाइम बाद मतलब मुश्किल से 10-15 दिन बाद आप अपनी स्नाइपिंग देख लेना, आपकी स्नाइपिंग में भाई जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो भाई यही थी यार आज की टिप। सो गाइस मैं मिलता हूं आप सभी को किसी अमेजिंग गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट गेम प्ले। पीस।